तो मीम बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करना है, नुक्ता खमीदा बनाना है। सेम वैसे ही दाल का शेप लेना है हमें। दाल का शेप का हमें ये हिस्सा चाहिए। अब ये हिस्सा लेने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने दो चश्मी ये का लिया था, ये पार्ट ये हम लेंगे पूरा 1.5 कद का। तो ये हमारा हो गया 1.5 कद का नुक्ता खमीदा। हल्का सा कर्व लेके मिलाना है थोड़ा सा इस टाइप से। ये हमारा 1.5 कद होना चाहिए। और ये लाने के बाद में फिर हमें इसी में दाल का शेप देना है, जो कि हम ऐसे देते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। हम दाल का शेप लेके ये हमें 2 कट लेना है, और इसको हमें फिर नीचे ले आना है। हल्का सा तिरछा करेंगे इस टाइप से। तो ये देखिए हमारा है कुछ जस्ट लाइक दाल का शेप ही बन गया है। और बनाने के बाद में फिर हमें 1 कद का कम से कम ये रखना है, हल्का सा तिरछा अंदर की तरफ ये शेप देना है। इसको थोड़ा सा हम कर्व दे लेंगे, थोड़ा सा मोटा करेंगे। इस टाइप से हमारा लास्ट फाइनल शेप ये ऐसे आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर सामने निकला हुआ रहेगा। ये हमारा पूरा 2 कद का आएगा नीचे का पार्ट। और ये आपका कम से कम 5 कद का आना चाहिए। थोड़ा सा मोटा कर देंगे इसको। तो ये जैसे नस्तालिक मीम आपका नीचे का अलिफ 5 कद का होता है, वैसे ही इसमें भी आप इसको 5 कद का ही रखेंगे। तो ये देखिए ये इस टाइप से मीम आपका तैयार हो गया है। तो आई होप कि आपको मीम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, रिवाइंड करके देखिए, होल्ड करके वीडियो को देखिए कि कैसे कहाँ पे क्या मूवमेंट देना है, कैसे हमें कौन सा शेप लाना है, कैसे उसको मेकअप करना है। तो ये देखिए इस टाइप से ये मीम हमारा बन गया है। मेजरमेंट भी मैंने लिख दिया है, मैं लिख देती हूँ। तो इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मीम आपसे बन पाया कि नहीं बन पाया।